पर भाई मेरी और गुड्डू की एक चर्चा भी चल रही है। वो चर्चा ये कि दोनों बच्चों गंजा कराए या नहीं। चलो नीचे चले जाओ। दिखाओ रूहानी, अरे रूहानी तेरे क्या होता है अगर बड़ा साइज ले ले तो? क्रैम्प आ जाते हैं बाजू पे, शोल्डर पे। कैसे कुत्ते हमारे देश में नाली में नहाकर आ जाते हैं। भाई अभी इसने एक डॉग देखा नाली में नहा रहा था वो। तो भाई ट्रांसफार्मर में आग लग गई है बहुत गंदे वाली। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? होप सो भाई बिल्कुल मस्त हो गया। तो करते हैं आज दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो गाइस देखते हैं अभी कौन क्या क्या कर रहा है। भाई उठे हैं अभी और ध्रुव और रूहानी की भाई छुट्टियां पड़ चुकी है स्कूल की, गर्मी की छुट्टियां जो बोलते हैं। तो देखते हैं रूहानी क्या कर रही है। ये बैठा रूहानू। सो गाइस ये आ गई हमारी रियो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या भैया? भैया का 4-5 दिन बाद मिली है ना अपने भैया से, इसलिए भैया पान देखते हैं भैया क्या कर रहा है। चल और गाइस देखते हैं स्विमिंग पूल भरने लग रहा है ध्रुव हमारा। तो अभी रिसोर्ट में भी स्विमिंग पूल में नहा के आया था और यहाँ भी भर रहा है घर का आते देख ले रही हो। अब आ रिसोर्ट में भी खूब नहा के आया है। सो गाइस देखते हैं गुड्डू क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो मैडम? सैंडविच बना रहे हो। अच्छा ये बन रहे हमारे सैंडविच। सो भी करते हैं पहले ब्रेकफास्ट, उनका स्विमिंग पूल भरते हैं और फिर चले के देखते हैं भाई आज का रूटीन क्या रहेगा। सो गाइस अभी मैंने एक बुक पढ़नी शुरू करी है जिसका नाम है ननेरा से नरेला। इस बुक में अभी 11,000 साल पुराना इतिहास हमारे नरेला का। तो करते हैं भाई इस बुक को कम्प्लीट पढ़ेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। 4-5 दिन में तो पढ़ ही लूंगा वैसे मैं इस बुक को। अभी मैं आधा पढ़ चुका हूँ, 47 पेज नंबर पे आ चुका हूँ। अरे भैया तीनों घुस गया वॉशरूम में, रियो हेल्प कर रही है। ये घुस गए। चलो गाइस तो ब्रेकफास्ट हो गया और बच्चे भाई नहा लिए हैं। पर पानी देखो भी कितना भरा हुआ है भाई। मैं इस पानी को ना फेंकने नहीं देता, मैं इसको यूटिलाइज कर लेता हूँ। जो झाड़ू पोछा वाले आते हैं मैं उसको बोल दूंगा भाई इसी में से पानी भर लो ताकि हमारा पानी वेस्ट ना हो, ये पानी भी यूज हो जाए। सो भाई पानी बचाना चाहिए हमें। सो गाइस आयुष है एक भतीजा ही लगता है वो, तो उसको मैं आज बैट गिफ्ट कर रहा हूँ, एक बैट दिलाने वाला हूँ क्योंकि वो अकेडमी में जाता है और भाई उसको क्रिकेट का बहुत शौक है। तो अभी उसको लेकर जाऊंगा शॉप पे, देखते हैं कौन सा बैट वो पसंद करेगा तो मैं उसको दिलाऊंगा। मैं भी चलूंगा भाई साहब। तू भी चलेगा? नानी ने मेरे को गन दिलाई थी, ये आती है छोटी सी बुलेट, इसमें डालो, ये गन है इसमें हार डालो और ये लोड करो यार। और भाई इसकी भी गोलियां भी लेके आनी है, माउजर नहीं हम लाते छोटी छोटी येलो येलो गोलियां होती थी वो लेके आनी है। सो वो भी दिला के लाऊंगा कहीं मिलेगी तो। और यहाँ हो रहा है भाई हमारा डाटा ट्रांसफर सारा लैपटॉप में, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा इतना डाटा ट्रांसफर नहीं होता। भाई फोन 256 GB का है, पूरा फुल हो गया था। अब फोन का डाटा ट्रांसफर किया, थोड़ा खाली करते हैं ताकि और वीडियो बना पाए। KTM वाली वीडियो इस पे मैं इसको KTM पे घुमा के लाता हूँ। मदर्स डे वाली वीडियो जरूर देखे यार। फिर हम करेंगे मैंगो की पार्टी, हम करेंगे नाश्ता वाश्ता, हम करेंगे फिर हम करेंगे कैमरा ऑफ। हेलो गाइस वेलकम चैनल, अभी हो चुके शाम, अभी हम करेंगे मैंगो की पार्टी, फिर हम करेंगे खाना वाना खाएंगे, फिर कैमरा करेंगे ऑफ। चलो सर आने की व्लॉगिंग देखी भाई आपने? भाई आयुष आ गया, आयुष से वेट नहीं हो रहा है अपने नए बैट के लिए जो कि भाई मैं गिफ्ट देने वाला हूँ आयुष को, तो आयुष को वेट नहीं हो रहा है बिल्कुल। हाँ आयुष आ भैया, ये देखो पलट गया, ओए गिर गया, खड़ा हो जा, चलो। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं भाई देखते हैं कौन सा बैट ये पसंद करता है। और भाई गर्मी इतनी ज्यादा हो चुकी है ना, बहुत लू चल रही है बिल्कुल। ये हो गया भाई दोनों रेडी, स्कूटी भी भाई हमारी छाया में खड़ी करी है हमने। और ये मुनिया से ही मिल लेते हैं भाई, काफी दिन हो गए। कैसे हो मुनिया? कैसे हो भाई? कैमरा चाटेगा तू? चलो भाई लू में चलते हैं इनको दिलाने। पापा मेरे साथ पांडे जा रहे हैं। पांडे ये वो चुलबुल पांडे है ये? चुलबुल पांडे नहीं, वो है आयुष पांडे। ये आयुष पांडे नहीं, तो जंगल में होते ना वो वाले पांडा। तो गाइस आ गए भाई आयुष को बैट दिलाने। ये शॉप हमारे नरेला की जेके स्पोर्ट्स पे है, मीर सिंह मार्केट में। भाई सारी चीजें मिल जाती है यार, स्पोर्ट्स का जितना ही सामान है। तो आयुष ने बोला मेरे को वही से चाहिए है। तेरी कौन सी बुलेट येलो वाली? नहीं वो किसी दूसरी शॉप पे मिलेगी, वो उस पे मिलेगी गिफ्ट टॉय वाली शॉप पे। सो गाइस देखते हैं भाई बैट की इतनी सारी वैरायटी है कौन सा पसंद करता है। सो भाई ऐसी चीजें हमें पता लगती है जो दिलाने आया क्योंकि ये टूर्नामेंट खेलता है। क्या होता है अगर बड़ा साइज ले ले तो? क्रैम्प आ जाते हैं बाजू पे शोल्डर पे, और जब थोड़ी एज बड़ी हो जाए तो दिक्कत आएगी। सो भाई जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना टूर्नामेंट, तो भाई वो अपने साइज का ही बैट ले। अगर बड़ा साइज लोगे तो 40+ जब एज होती है ना तो शोल्डर में क्रैम्प आने के बाद ये बहुत दिक्कत करता है। तो बैट का साइज भाई चूज करो तरीके से, जो इसकी हाइट है बच्चे की उसके हिसाब से। तो इसको 6 नंबर बैट लगे ना तेरे को? तो भाई इसके लिए लिया हमने 6 नंबर बैट, और बैट है ये।
चलो भाई पसंद आ गया आयुष को, भाई दिलाते हैं इसको ऐसे गिफ्ट देते हैं। चलो भाई आयुष ने ले लिया बैट, अब ये देखो भाई बातें करते हैं। क्या आएगा, क्या कह रहे हो? अरे ऐसे हो जाएगा, अरे ये लंबा कर लेना यहाँ से। अब आ चलो, अरे ये देखो भाई ध्रुव टांग के चल रहा है बैट। क्या हुआ, कल 50 चाहिए भारी है? ध्रुव माना नहीं तो भाई गर्मी में ही लेके आ गया, बिल्कुल कह रहा गोली तो चाहिए। कितने पैकेट लेगा? दो, और अगर छोटी होगी तो तीन। ये रही, तीन ज्यादा बड़ी तो नहीं है, ये वाली आ जाएगी उसमें, तो छोटी ही रहती है यार। आ जाएगी, आपका माउजर होगी ना। हाँ चल ले लिए, कितने लिए है? तीन। दो बोल के तीन ले रहा है तू? हाँ छोटी है, का डैडी का। चलो अब घर चलते हैं, चले। फाइनली इतनी धूप में पापा खुले आए, मैंने ले लिए बुलेट। पर भाई आ गया घर पर, बाल भैया से हो जाते हैं, स्कूटी पे चलते ही पूरे सेट हो जाते हैं थोड़े थोड़े। कैसे कैसे कुत्ते हमारे देश में नाली में नहा कर आ जाते हैं। भैया अभी इसने एक डॉग देखा नाली में नहा रहा था वो। चलो भाई गुड्डू को भी दिखा देते हैं यार कौन सा बैट लेके आया, ये वाला लेके आया। ओह माय गॉड, वाओ कैसा लगा आयुष, तेरे को पसंद का आ गया? हां बहुत अच्छा है, बनाएगा अब तो 100 बना दो। बस सिर्फ 100 बनाएगा, 20 और में तो सही है, ठीक है। अरे 100 करोड़ बना देना। नहीं कितना है? 100 करोड़ एक मैच में। हाँ। बने नहीं पाएंगे भैया इसकी गन आपके लिए नहीं है। अरे है तो सही, और ये भाई इसके माउजर की वो है रिफिल, ये इसके अंदर डलती है भाई, और ये गोलियां डलेगी इसमें, दिखा डाल के दिखा कैसे डलेगी ऐसे। नहीं बस 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 सारी उतनी कर, एक लेने दे, एक लेने दे, एक लेने दे, रख देगी थोड़ी देर। और इनकी फाइट देख लो भाई, ऐसे होते हैं क्योंकि जो ध्रुव के हाथ में वो रूहानी को चाहिए। इसको पहले नीचे पकड़ के खींचते हैं, फिर ये नीचे चले जाते। दिखाओ रूहानी, अरे सारी डाल रूहानी तेरे। ये देखो भाई रूहानी ने ना इसकी सारी गिरा दी है, ये देख लो, ध्रुव को हमेशा परेशान करती है। ये देखो भाई इसको आप नीचे खींचोगे तो ऐसे गोलियां डलती चली जाती है इसमें, अब ध्रुव तो डालेगा, डाल दे। और ये ध्रुव मुझे मारने के लिए लोड कर रहा है गन। सो गाइस ये देखो भाई ये पूरी इसमें गोलियां डल चुकी है, और इसको कर देते हैं गन में लोड, डाल के दिखा दे, ये डल गई। अब इसको करेगा बैक, पहली वाली तो मेरी टूटी हुई थी, ये वाली ठीक है, इसमें बटन होता है, बटन दबा के तो वैसे भी डल जाएगी, पर जब अब निकालनी होगी तो देखो ये वाला बटन दिख रहा है ना यहाँ पर। अच्छा ये बटन दबा के, दबा के फिर अच्छा फिर हम ये डालेंगे, ये खींचे मेरे टाइट है खींचेंगे। तो भाई मैं दिखाता हूं, सगाई जिसको ना यूं करके यहां से खींच के इसको लॉक कर देते हैं यूं, फिर ये ऑन करते हैं जहां पर लेजर क्या है, दिखा फ्रंट से दिखा लेजर। ये देखो इसके आगे लेजर भी है, और ना पॉइंट करते हैं, देखो सामने आपको दिख भी रही होगी, देखो ये दिख रही है भाई आपको लेजर, जहाँ लेजर है वहीं पर जाकर वो गोली लगेगी भाई। और आपको पता है इसमें सिर्फ लेजर लेजर नहीं है, अंधेरे में ना देखो ध्यान से देखोगे इसके साथ लाइट भी है। अच्छा अंधेरे में से लाइट भी जलती है इसमें, दिखा एक छोड़ के दिखा, छोटी छोटी गोलियां भाई एक मिनट में गुम हो जाती है। सो भाई बच्चों करने दो एंजॉय, क्या कह रहे हो? आपने मेरा काम बढ़ा दिया इलाके यार, कोई नहीं भाई भाई बच्चों के साथ ऐसे तो होता है। मैं बोर्ड रख रहा हूँ इसके ऊपर। क्या रख रहा है? बोर्ड। बोर्ड नहीं ये रख रहा हूँ इसके ऊपर। बोल। अच्छा बोल, ये जो लीफ बनी हुई है ना अच्छा। इस पे ये बोल रख रहा है, चलो इसको गेम मिल गया भाई रूहानू को, ये देखो। पर भाई मेरी और गुड्डू की एक चर्चा भी चल रही है, वो चर्चा ये कि दोनों बच्चों गंजा कराए या नहीं, क्योंकि भाई सबने बोला एक दो बार ना उस तरह बच्चों के लगना चाहिए तो उससे क्या बाल और घने हो जाते हैं, तो अभी हम सोच रहे हैं कराने हैं, कुटकला कराएंगे बिल्कुल। तो दोनों को गंजा कराएगा यार, मैं सोच रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कैसे लगेगा गंजा हो गया। देखो अभी रिया का बर्थडे आने वाला है, तो रिया इस चक्कर में कि मेरा बर्थडे निकल जाए उसके बाद गंजा करा देना चाची, फिर मम्मी की एनिवर्सरी आने वाली है, वो सोच रहे पहले एनिवर्सरी भी निकल जाए, फिर हम घूमने जाने वाले हैं तो सोच रहे आने के बाद कटवाएंगे, फिर इतने स्कूल खुल जाएंगे, तो भाई देखते हैं कब कटेगी कब गंजा करेगी इनको। देखो भाई रूहानी क्या कर रही है, क्या कह रहा है रूहानू? मैं कह रहा हूँ आपके क्या लिया हूँ चॉकलेट। इसकी मम्मी लेटी हुई है ना, उसके डर के वजह से मेरे कान में बोल रही है कि मेरे लिए चॉकलेट ले आना। हाँ तो एक मम्मी से एक मिल दो ले। ओके चल मैं जा रहा हूँ काम से, बाय बाय देखो भाई। सो गाइस भाई काम है टीडीआई में एक छोटा सा, तो वो करके आते हैं और चलते हैं भाई, देखते हैं हमारे नरेला का जो सिंगू बोर्ड रहे भाई, एक साल तो बंद रह गया था किसान के चक्कर में, और अब एक साल बंद रहा फ्लाईओवर के चक्कर में, देखते हैं वहां तक सारे फ्लाईओवर खुले हैं नहीं, क्योंकि मैंने सुना है अब खुल चुका है, अब हमें इधर से घूम के जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, देखिएगा भाई सिंगू बॉर्डर खुल गया होगा तो फिर तो हमारा यही रूट सूट करता है भाई सीधा जीटी रोड में जाने के लिए, अदरवाइज तो भाई कभी नाथूपुर से कभी सबोली से जाना पड़ता था। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं भाई टीडीआई, अपना काम भी करके आएंगे
और आपको दिखाते हैं कौन कौन से फ्लाईओवर खुल गए हैं। सो गाइस सारे फ्लाईओवर रेडी हो चुके हैं भाई, जितने भी आते हैं ना आपके सोनीपत तक बालगढ़ चौक तक सब फ्लाईओवर रेडी हो चुके हैं। तो आप आओगे तो भाई सिंगो बॉर्डर से आप इजीली आ सकते हैं। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं नरेला की जो सिंगो बॉर्डर से आते हैं, तो आप मैं बता रहा हूँ आपको सारे फ्लाईओवर चालू हो गए हैं। अब कोई फ्लाईओवर ऐसा नहीं है जो बंद है। आखिरकार 2-2.5 साल के बाद हमारे भाई ये रोड है खुले हैं। यहाँ से तो हम आना ही भूल गए थे, किसी ने बताया था भाई वो ओपन हो चुका है, तो मैं कहा भाई वहीं से चलते हैं, ये सबसे छोटा रास्ता पड़ता है हमें। सो अभी पहुँच गए भाई, अपना काम वगैरह निपटाते हैं और उसके बाद फिर घर चलते हैं, बच्चों से मिलते हैं। सो भाई लग गई थी भूख भाई, तो करते हैं थोड़ी पेट पूजा यार। अभी भाई खाना ऑर्डर कर दिया हमने, एक सरदार करके एक रेस्टोरेंट खुला है कुंडली के पास में जो कि रोडियो मॉल के अंदर है भाई। वहाँ आए हम, देखते भाई खाना कैसा होगा। सो भाई जी आ गई अपनी रोटी और ये आ गई अपनी करी। तो भाई जब टेस्ट करते हैं भाई खाना खाते हैं, फिर आपको बताएंगे आगे रिव्यू भाई कैसा इसका खाना और किस लोकेशन पे है, वो भी मैं अभी आपको निकलते हुए दिखाऊंगा। सो भाई जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये था भाई लेजेंड सरदार करके था इस ढाबे का नाम भाई, रेस्टोरेंट है ढाबा। तो यार बहुत सच में यार बहुत ही टेस्टी खाना था, मजा आ गया खा के ना। तो सिंगू बॉर्डर से भाई कम से कम 5-6 किलोमीटर आ गया रोडियो मॉल, उसमें है सरदार का ढाबा। लोकेशन मैं अभी आपको दिखाता हूँ जीटी रोड के पास कहाँ है। सो भाई ये जीटी रोड आप देख रहे हो और ये मॉल है रोडियो मॉल, और बड़ा बड़ा लिखा भी होगा लेजेंड सरदार जी। इस बोर्ड के नीचे ही है बिल्कुल, और ये ऊपर रोडियो ड्राइव मॉल है और इसके नीचे ही बिल्कुल यहाँ पे एंट्री करते ही ये रेस्टोरेंट आ जाता है। सो चलते हैं गाइस, पेट पूजा होगी है भाई, अब घर चलते हैं बच्चों से मिलते हैं भाई। सो फाइनली आ गए भाई हम सिंगू बॉर्डर पे, और मैं आपको दिखाता हूँ सिंगू बॉर्डर का फ्लाईओवर और वहाँ से कट नरेला जाने के लिए। सो गाइस ये देखिए जो आप ऊपर वाले फ्लाईओवर देख रहे हो, जिनको सीधा जाना है दिल्ली की तरफ वो ऊपर से जा सकते हैं, जिसको नरेला की तरफ जाना है उसके लिए ये कट है भाई। यहाँ से राइट, ये भाई दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर आ गया मेन, और यहाँ से हम दिल्ली में एंट्री कर चुके हैं। और ये देखो भाई ये खुल चुका है, ये सिंगू बॉर्डर है। सो भाई गाड़ी कर देते हैं वॉशिंग पे खड़ी, यार बहुत गंदी हो रखी है, बच्चों ने ऐसा कर रखा है सारा, कहीं नमकीन कहीं कुछ गिरा रखा है, तो अभी वॉशिंग पे खड़ी कर देते हैं। ये है भाई वॉशिंग का सर्विस स्टेशन, और भाई टिंकू आ गया भाई जिसका सर्विस स्टेशन है, मगर भाई तू साथ ही चल, मेरे को घर छोड़ दियो फिर ये गाड़ी ले आएगा हमारी, अभी सही रहता है ना भाई, आओ फिर किसी दूसरे बंदे को बुलाओ फिर वो हमें घर लेके जाएगा। तो हमने तो भाई इसी को बुला दिया, मैं टिंकू तू चल मुझे घर छोड़ के गाड़ी तू ले। सो चलते हैं भाई घर की तरफ, गाड़ी भी कर देगा चमाचम टिंकू, बढ़िया कर दियो भाई अंदर से बिल्कुल है। लेट्स गो टू होम, मेरे को गाड़ी ले लो, मैं को गाड़ी लिया फिर खाना खा लिया फिर कैमरा ऑफ किया। अच्छा पहले खाना खाया फिर मैंगो खाया फिर कैमरा ऑफ। अच्छा हेलो गाइस वेलकम, आपके कोयम चुनाव डैडी फिंगो डैडी फिंगो वस्ती और हम हाउ टू 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 डैडी फिंगो वस्ती और हम। गाइस मेरी बात सुनो, तब छुट्टी होती है ना तो मैं कौन नहीं आते, तब छुट्टियाँ पास आती है तुम नाने हो जाते। अच्छा वेरी गुड, और क्या करते हैं छुट्टियों में? छुट्टियों में नानी आज मेरे नानी आग में ना वो थोड़े मोटे मोटे मैंगो लग गए। अच्छा हाँ, और टमाटर भी लग गए। तो भाई अब सोने का टाइम हो रहा है तो देखो रूहानी क्या बोल रही है। हेलो गाइस वेलकम चैनल, ये भाई रूहानी नाराज हो गई है भाई। सो गाइस अभी हम सो रहे थे, पापा गए हैं नीचे और अभी ना भ्रम भ्रम की आवाज आ रही है रोड से, देखते हैं अभी क्या हुआ है। गाइस अंधेरा दिख नहीं रहा होगा। सो गाइस वहाँ तो बहुत भयंकर आग लगी हुई है, वो देखो रोड पे बहुत भयंकर आग लगी हुई है। पापा गए हैं बाहर, ये देखो गाइस अरे पुलिस भी आ गई, वो देखो पुलिस भी आ गई। ट्रांसफार्मर में आग लगी है बहुत गंदे वाली, बाकी देखते हैं भाई बिजली का काम है पानी से कैसे बुझाएगा, केमिकल है क्या इनके पास। भाई बहुत दूर खड़े हैं, आग ऐसे हो रखे पसीने आ चुके हैं पूरे, यहाँ तक इतनी दूर कम से कम 50 मीटर दूर खड़े और पूरी तलब आ चुकी है भाई, आग ऐसे लग चुकी है ना पूछो मत, गर्मी इतनी ज्यादा है। पानी रोक रोक के फेंक रहे हैं दूर से, देख फेंकेगा पंप दबाएगा रोक देगा, रोक दिया ना भाई, रोक रोक के फेंक रहे ताकि भाई वहाँ करंट ना आए उस पानी में भी, और भाई पूरा रोड जाम हो गया है बहुत भयंकर आ गया, और धुआं देखो भाई कितना ज्यादा उठ रहा है ये देखो। सो गाइस खाना खा के बाहर टहलने आए थे भाई, देखा इतनी जबरदस्त आग लगी हुई है यार, मतलब आपने देखी भाई, उसके पास भी जाना ऐसा हो रखा था भाई, वे तो भाई फायर फाइटर जो थे आग बुझा रहे थे भाई, मैं तो उनकी हिम्मत मानता हूँ। सो चलते है गाइस बच्चों से मिलते हैं भाई, शुक्र एक चीज और हमारी दूसरे ट्रांसफार्मर से लाइट, वरना भाई रात काटनी भारी हो जाती। जो दर्द तुम आज महसूस करके मरना चाहते हो ऐसे ही दर्द लेकर हम रोज जीते हैं। सो गाइस अभी रियू दिखे, रियू कह रही है चाचू आप इतने पास चले गए आग के, तो कंटेंट नहीं लाना ऐसा, कंटेंट नहीं चाहिए कि इंसान खुद ना बचे।
पसीने देखो भाई कितने आ रहे हैं। वैसे इतनी डेयरिंग भी नहीं करती, थोड़ा सा दूर ही था। हाँ। जब आग तेज हो गई थी तो मैं दूर हो गया। चलो अब चलते हैं ऊपर। हाँ गले में ना आग लग गई। कैसी आग लगी? आग मैं आपको दिखाऊं? नहीं पापा देखा है, पापा ने तो वीडियो भी बना ली। अब तो बुझ गई आग। बना ली है वीडियो। कैमरे में बनाई थी। चलो देखते हैं। क्या आग? कितना सारा धुआं? अच्छा जितने भी लोग है ना, जितने भी लोग के घर में आग लग जाती है ना, फोन करके कहते हैं कि सब फोन कर दो, अपने करते भाग दो। अच्छा देख लिया भाई, रानी बता रही है आग लग जाती है। अच्छा सो भाई शुक्र है भाई किसी का नुकसान नहीं हुआ भाई, आग बहुत भयंकर थी, सब सेफ है भाई, सब बच गए। और वही वो बड़े भाई का ही घर था, उसके आगे भी शुक्र है उस घर तक नहीं पहुंची आग भाई, भगवान की दया से भाई सब सेफ है। चलो गाइस तो भाई बच्चों की मस्ती देख ली भाई, आज का दिन बहुत बढ़िया था यार। सो गाइस करते इस व्लॉग को यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, और आने वाले व्लॉग और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाय बाय, टेक केयर।